गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग के लिए हम लोग आ चुके हैं अपने वीकेंड ट्रिप पे, जो कि है मंगलगंज बैकपैकर्स हॉन्टेड कैंप। और यहाँ पे कैसे आना है आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, सो कीप वॉचिंग। विल बी बैक। घर है आज के लिए हमारा, चलिए अंदर का सैर कराते हैं। खोल दो भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ब्रो मो। सो दिस इज आवर रूम फॉर टुडे। और यहाँ पे एक बेड मिला है हमें, बेड में हम लोग आराम से तीन लोग सो सकते हैं। हम लोग तीन लोग ही है और पूरा ये बैम्बू से बना हुआ, जैसे आप देख सकते हैं। एक फ़ैन मिला है हमें और यहाँ एक बाथरूम दिखाता हूँ मैं आपको। बाथरूम भी एवरेज है। और यहाँ एक हमें चेयर एंड डेस्क मिला है, जो कि पूरा फुल बैम्बू का बना हुआ है। और यहाँ पीने के लिए पानी है। और यहाँ पे एक छोटा सा विंडो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से बहुत ही अच्छी व्यू आ रही है। तो कैसा लगा आपको रूम टूर? अब हो गया लंच टाइम, तो लंच पे चलते हैं। Hey guys, we're done with our lunch. तो कैसा लगा खाना बताओ? अच्छा था, मेरे लिए उतना कुछ खास नहीं था। मुझे तो टिपिकल ट्रेडिशनल बंगाली फूड लगा। अच्छा था मतलब, बट हम लोग वो खाते नहीं है ज़्यादा, तो फिर हम लोग को उतना फील नहीं आया खाने में, बट इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। चेंज का हिसाब से सही था। हाँ, तो हम लोग अभी जा रहे हैं नीलकुटी, जिसको बंगाली में भूतेरबाड़ी भी बोलते हैं, मतलब डैट मीन्स हॉन्टेड प्लेस। तो आइए एक्सप्लोर करते क्या है क्या नहीं है। Hey guys, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं राजा साहेब कुटी। इसको नील कुटी बोला जाता है, इसको बंगाली में बोला जाता है भूतेरबाड़ी, क्योंकि ये बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है और वेस्ट बंगाल का इसे बेस्ट हॉरर स्पॉट भी बोला जाता है। उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि ब्रिटिशर्स टाइम में ब्रिटिशर्स लोकल्स को यहाँ पे जबरदस्ती लाते थे और उनसे मजदूरी करवाते थे। बिल्कुल, और उनके पीछे एक इंसिडेंट भी हुआ था, उसी के वजह से ये जो विला है इसको हॉरर विला बोला जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर क्यों इसको हॉरर विला बोला जाता है। तो गाइस, हम लोग एंट्री ले रहे हैं इस विला में। ओह माय गॉड, जैसा कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल डरावना लग रहा है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, बहुत ही सन्नाटा है यहाँ पे।
क्या कहना चाहोगे आप? इनफैक्ट उधर का जो खिड़की है, खिड़की को जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। यस हाँ, इसको ब्लॉक किया गया है, इसको ऑन पर्पस इसको ब्लॉक किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। और ये हम लोग हल्का निकल रहे बाहर किसी तरफ। ये देखो आप, ये देखो, ओह माय गॉड, यहाँ से टूट चुका ये। यहाँ पे पहला जमाने में पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। हाँ, ये इंडियन पोस्ट का यहाँ पे पोस्ट ऑफिस था। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ मंगलगंज, जहाँ पे हम लोग हैं अभी। आई थिंक ये बंद है क्योंकि संभाल के यहाँ पे बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं है। ठीक है, इधर 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 आओ। देखो ये कैसे टूटा हुआ है, मतलब ये मुझे लगा ये अभी भी टूट सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, तो ये हमारे गाइड भाई है, तो ये आपको बताएंगे। आप बांग्लादेशी बोलो, ठीक है जी, की स्टोरी आज कनकर हाँ भूते बेपारे बोलो एक আছে আচ্ছা হ্যালো আগে হলো ইংরেজি থাকতো হ্যাঁ এই জায়গায় হলো মোর তিনখানা ঘর বাড়ি ছিল তিনখানা আচ্ছা আর মধ্যে দোকান দোকান ভেঙে গেছে হ্যাঁ আর হলো একখানা আছে আচ্ছা মানে রাত্রি বেলা কি কিছু এখানে রিস্ক থাকে হ্যাঁ এই জায়গায় হলো এই যে এই জায়গা হলো এই যে সন্ধ্যের পরে লোকজন লোকজন আসে না আসে না এখানে সন্ধ্যের পরে মানে কি হয় এখানে মানে রাত্রি বেলাটা বেশি করে মানে এই যে রাত্রে কেউ আসে না শুধু এই ছুরি সুরঙ্গ ছিল একটা আচ্ছা মানে নিচে দিয়ে রাস্তা ছিল আচ্ছা রাস্তা কোথায় বেরোতো রাস্তা থেকে একটা হলো থেকে নদীপদে গেছে আর একটা হলো এদিকে গেছে আচ্ছা দূর দূর রাস্তা ছিল গোহার ভিতরে জানলা আছে ঘরে তো কি আছে গোহার ভিতরে আমার সুন্দর ভিতরে জানলা আছে আচ্ছা জানলা আছে আবার ওই ওই হলো জানলাই ছাপ আছে পুরো ওই একখানা বিশাল ছাপ আছে হ্যাঁ ওই জায়গাটাই কেউ যায় না কেউ যায় না এখন বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তা ওই ওটাই বন্ধ হয়ে করতো হ্যাঁ তখন হলো জানা করতো তারে হলো মেরে ওই সে মানে পুঁতে দিত এখানে লোকাল ওয়ার্কার দেখে মানে টর্চার করা হতো যদি না কাজ করতো তাহলে মেরে পুঁতে দিত খুব মার মারতো ব্রিটিশরা আচ্ছা এই এই মানে এই ভূতটা যে আছে মানে এটা কত বছর হয়ে গেছে তোমার
स्नैक है, इसे मूढ़ी कहते हैं और इसे प्याजी कहते हैं। तो अरकमा कैसा है भाई? आग आग सही में आ गया। तो फाइनली हमारी बैम्बू चिकन आ चुकी है और इस बैम्बू चिकन का प्राइस है 400 रुपीज पर केजी और हमने 1 केजी मंगाया अपने लिए और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो अरकमा इसका टेस्ट रिव्यू करो और बताओ कैसा है ये, कैसा है? हम लोग जो नॉर्मली खाते हैं उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है, हटके है। और कलर यूनिक है और कलर भी डिफरेंट लग रहा है और बहुत ही टेस्टी भी लग रहा है। तो चलिए हम इसे इंजॉय करते हैं। এক ব্যক্তি নদীতে মারা যায়, আমাদের পিছ রাস্তায় বাড়ি। তো উনি রাতে বাথরুমে বেরিয়েছিলেন, ওখান থেকে নিখোঁজ। তার মানে ওকে নিষিদ্ধাকে নিয়ে চলে এসেছে, ঠিক আছে? রাত্রে মারা যায়, সকালে তার লাশ পাওয়া যায়। না, আমাদের পাড়ার থেকে যে ঢালায় নামলে না, পিছের মুখেই বাড়ি ওনার। উনি খুঁজে পায়নি কেউ, পরের দিন লাশ পাওয়া যায় নদীতে। ও আচ্ছা। সেই জায়গাটাই এই 7 তারিখে ওই ভদ্রলোক মারা যায়। উনি সাঁতার করছেন নদীর দিকে, চতুর্দিকে সাঁতার মানে সাঁতরাচ্ছেন। তো যে জায়গাটাই মারা গেছিল ওই দিকটা যখন যাচ্ছে, তখন মাঝিরা বলছে দাদা ওই দিকটা যাবে না, মানে বারণ শোনাটাই ভালো। হ্যাঁ, তো উনি শোনেননি। এইখান থেকে নেমেছিল, স্নান করতে এসেছিলেন ওই ঘাট থেকে। আরে দুপুরবেলা যে গল্পটা বলছিল, তো মাঝিরা বললো যে দাদা ওইদিকে যাবেন না। বলছে কেন? বলছে জায়গাটা খারাপ নয়। কিসের কারণে? তো বললো ভূতের বিষয় নিয়ে। দূর ভূত এখানে আছে নাকি? হ্যাঁ, ভূত তো মানেন না। তো ওই জায়গাটা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো টলিয়ে গেছে জলের তলায়, দুপুর 1:30 সময় লাঞ্চের টাইমে। ওই জিনিস দেখতে গেলে তুমি ধরো ওই জিনিসটা দেখা গেলে তো পুরো চোখে চোখে রাখবে, যতক্ষণ তোমার নজরে থাকবে ওই জিনিসটা সরতে পারবে না। যখনই এত পলকনের দিকে সরাবে। আপনি কবার দেখেছেন? আমার কোনো হিসেব নেই কতবার দেখি। আচ্ছা, ভুলও তো হতে পারে মনে, মানে এটা বলছি আমার, আমি একটা কথা বলছি। হ্যাঁ, ভুল নয় ওটা, মানুষ নয়। একবার দুবার ভুল হবে, বারবার তো হবে না। আপনার ভয় করে না? ভয় এই যে সবাই মিলে এসেছি, গাছটাই মাঝে সাঝে পেতনি দেখা যেত, ঠিক আছে? যা কিছু খাবে ও আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসে। ওই যে তোমাদের সন্ধ্যাবেলায় ভেস্ট পাকোড়া দেওয়া হয় না, ও মাল নিয়ে এসছে পকেটে করে। আর একটা গ্রুপ এসেছিল, ওরা চিকেন পাকোড়া নিয়ে এসেছিল বাজার থেকে, তো খাওয়ার জন্য দিয়েছে, খাওয়ার জন্য দিয়েছে, মানে আমরা বেরোবো সেই সময় নিয়েছে। ও কি করেছে, পকেটের মধ্যে ভরে নিয়েছে। তো যাই হোক, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওই ছেলেটা খাচ্ছে, ঠিক আছে?
আর আমি উপরের দিকে রয়েছি। তো ওই ছেলেটা খাচ্ছে আর ও দেখলো দৌড়ে, মানে দুটো বাচ্চা এসছে রানিং এ দৌড়ে, ঠিক আছে, কুঠির দিক থেকে বেরিয়ে দৌড়ে দুটো বাচ্চা আসছে, এসে আম গাছটা উঠে যায়। আচ্ছা, তো আমিও দেখলাম দুটো বাচ্চা আসলে, আমি তো প্রথমে মনে করলাম যে হনুমান টলুমান আছে, তো আমি বললাম হনুমান তো লাফিয়ে চলে ও রানিংয়ে দৌড়ে এসছে, আমি ওকেও আর কিছু বলিনি, চুপচাপ রয়েছি গাছের থেকে। এই গাছটাই এই অসৎ গাছ দিয়ে এসে নিচে লেবে ওনার দিকে যখন আসছে, উনি ওই ফেলে দিয়ে এই যে আমরা সবাই আছি না, দৌড়ে এসে ওদের মধ্যে ঢুকে গেছে। তো বল, তো যারা দেখেছে পালিয়ে আসার জন্য বলছে দাদা দৌড়ে আসলে কেন, ও মানে বলতে পারছে না, বলছে নিচে দিয়ে যেটা চলো ওইটা যাচ্ছিল ওই জন্য দৌড়ে এসছি। তো আমাকে বলছে রাজুদা সন্দীপদা না আমাদের মিথ্যে কথা বলেছে। আমি কী মিথ্যে কথা, বলছে আমরা স্পষ্ট দেখলাম দুটো বাচ্চা সন্দীপদার দিকে তেড়ে আসছে, সন্দীপদা আমাদের কাছে দৌড়ে এসছে। তো তখন বললাম যেটা হয়েছে এখন বলা যাবে না, রিসোর্টে গিয়ে বলবো, কারণ এখানে বললে অনেকে ভয় পেয়ে যাবে, যার জন্য ওটা রিসোর্টে গিয়ে বলা হয়। তো এইভাবে অনেকে ওই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে যায়, কাজ সেরে বেরিয়ে যায়। আপনি কত বছর আছে এখানে? আমি শুরু থেকে। শুরু থেকে কবে দিয়ে স্টার্ট হয়েছে এটা? এটা দু বছর হয়ে গেল। ছাড়ো ওই যেমন ইউটিউবাররা আসে ওই গাছের টেকনি থাকে, তো এইভাবে ইউটিউবে ওই দাদাভাই দেখে এসছে। তো এসে আমরা যেমন এখানে এসছি, উনি কী করেছে আম গাছটার ওখানে গিয়ে বলছে এই গাছটাই পেটনি থাকে, তারা আরে পেটনি তোর গায়ে প্রস্রাব করছি, বলে গাছটাই প্রস্রাব করে দেয়। তো গাছে প্রস্রাব করার জন্য ওনার এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরো চারটে নখ দিয়ে হাঁচড়ে দিয়েছিল, ঠিক আছে, হাঁচড়ে দিয়েছিল পুরো চারটে নখ, মানে এখান থেকে পুরো নিচে পর্যন্ত। ধরো এটা জ্যাকেট পরা, এরপর দিয়ে মানুষ হাঁটা চালাতে পারবে না। আর দেখাচ্ছি, তো ভাই হাত পা দেখাচ্ছি। তো এই দাদাভাই কী করলো জানো, বলছে রাজুদা আমার পিঠে কিসে কামড় দিয়েছে, ঠিক আছে, কামড়। আচ্ছা, আমি বললাম দেখো জক টক লাগেনি তো, তো যাই হোক ওনার মানে দুপুর দিয়ে ঘুরতে এসেছিল জক লেগেছিলো, অতটা অনুভব করতে পারেনি, তো উনি বুঝতে পেরেছে যে আমার জকে লাগেনি। লন্ঠনটা নিল, নিয়ে বলছে রাজুদা চলো ফেরত চলো, বলছি কই দেখি কিসে কামড়েছে। তো দেখালো না, দু তারিখের ঘটনা তো দেখায়নি, ঠিক আছে, বলছে রুমে চলো। তো রুমে গেলাম, রুমে যাওয়ার পরে পুরো সাতটা আলগা করলো, পুরো এখান থেকে পুরো নিচে পর্যন্ত চারখানা পুরো ব্লাড বেরোচ্ছে। তো এইটা দিয়ে কঠিন নিচের আন্ডারগ্রাউন্ড যাওয়া যায়, প্লাস নিচে গিয়ে ওখান থেকে সুড়ঙ্গ দুটো রাস্তা আছে, দোকানে দোকানে একটা ইচামতি থেকে মনোমাদিতে, আর একটা এখান থেকে কত দূর 60 মিটার দূরে বাইজি বাড়ি ছিল, ওই বাইজি বাড়ি আর নদী এই দোকানে সুড়ঙ্গ লাইন। হ্যাঁ গাইস, তো এসি টানেল কে অন্দর এক ওয়ার্কার নে এক মানে কিসে মারা থা, এক অঙ্গ্রেজ কো গলা কাট কে, গলা কাট কে মার দিয়া। এটা পুরো ইসামতি নদীর জলের কূলে আছে, ঠিক আছে, এখন তো বন্ধ হয়ে গেছে। কতটা লং আছে রাস্তাটা? নদী, নদী বন্ধ, নদী বন্ধ, নদী বন্ধ।
गाइस हम लोग अभी आश्रम के पास है और गाइड भैया बोल रहे हैं हमें कि यहाँ पे आश्रम था और यहाँ पीछे फल का बहुत सारा पेड़ था और पहले फल भी तोड़ा था लेकिन अभी गांव वालों ने लूट लिया पूरा इसे और अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, पूरा बिल्कुल जंगल है जैसे कि आप देख सकते हैं। जगह था जमीदार बाड़ी, जमीदार नाम हे मंगल चंद्र बाबू आस। तो नील मान नील चाषे पीड़ते नील चाष हतो जे अंडारग्राउंड बिल्डिंग आखने जे आटके रेखे अत्याचार मान टर्चार करा हतो गला केटे दे जार कारण काटा सागर कठी और ये नील कठी एखानकार जमीदार छे मंगल चंद्र आस। तो उनार नामे जगहटा नामकरण है, यहाँ का जमींदार जो था वो मंगल चंद्र है, उनके नाम पे ही जगह है। और ये कह रहे कि वो एक टाइम पे वर्कर ने एक साहिब का गला मतलब गला कटे गला काट के उन्होंने डेथ कर दिया था उनका, तो यही बता रहे हैं। तो বহু চাষি মারা যায়, তো মঙ্গলবাবু অল্প বয়সে মারা যায়, প্লাস মঙ্গলবাবুর বোন ছিল তিনি। যত চাষিরা মারা যায় শিশুরা অনাথ হয়ে গেলে সেই শিশুদের নিয়ে এখানটায় জায়গাটা অনাথ আশ্রম তৈরি করে। তো অনাথ আশ্রম তৈরি হওয়ার পরে জায়গাটা নামকরণ হয় নীলকুঠি মঙ্গলগঞ্জ প্লাস কাঁথা সাহেবের কুঠি। মানে কাঁথা সাহেবের যে ছায়া মাঝে সাঝে দেখা যায়, অনেকে দেখেছেও। এবং এই যে উপরে অনেক সময় যে বাইজি বাড়ি যে নাচটা হতো ভঙ্গ করে ওই সব আওয়াজও মাঝে সাঝে পাওয়া যায়। মানে এই বললে কি কবি কবি সেকেন্ড ফ্লোর মে যে ভঙ্গ আওয়াজ আতা হ্যায় ও কবি কবি আতা হ্যায় অভি ভি আতা হ্যায় মতলব এসা নেই কি অভি নেই আতা হ্যায় অভি আতা হ্যায় ও এখনো আসে আওয়াজ। তো হ্যাঁ মাঝে সাঝে আসে, সব সময় তো দেখা শোনা যায় না, কখনো কখনো মানুষ গেলে ওই আওয়াজটা পায়। কাঁটা সাহেবের মানে মানে স্যারোটাও দেখা যায়? হ্যাঁ ওটাও মাঝে সাঝে দেখা যায়, সব সময় তো দেখা যায় না। তো এখানে যে ভুতুরি বিষয়টা, এই জায়গাটা আজ থেকে 25 বছর বন্ধ করে আছে, 25 সাল থেকে জায়গাটা বন্ধ। তো দুই দিকে যে গ্রাম আছে, গ্রামের ফ্যামিলিতে অশান্তির জন্য
তারা এখানে এসে সিসাইড করতো, সিসাইডটা কীভাবে দড়ি নিয়ে সে গাল মানে গাছে ঝুলে থাকতো। এইভাবে 10-12 জন সিসাইড করেছে। यहां पे दो गांव है आसपास, बट उनके अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो यहां पे आके सुसाइड करते थे। यहां पे बहुत सारे पेड़ है, वहां पे कुछ हो जाए ये बोल रहे हैं। पूरे पासे এবার অনেক সময় কম বয়সের ছেলেরা আসে, তারা মেয়েদের পিছনে লাগতে চায়, ঠিক আছে। তো যখনই মেয়েদের পিছনে লাগবে আমি প্রজেক্টে থাকি, আমার নজর কিন্তু সব দিকে থাকবে, হ্যাঁ কে কী করছে। তো দেখছি যে কোনো লেডিসদের প্রবলেম করছে ছেলেরা, তখনই একবার তাদেরকে সাবধান করে দিই, ভাই আর এসে ওদের মতন ভর্তি দেবো, তোমাদের মতন তোমরা ঘরো, সবাইকে নিজেদের মতন ভাববে, কারো যাতে কোনো প্রবলেম না হয়। তো এই কারণে আর এর মানে এর মধ্যে যত আমাদের লেডিস গ্রুপ এসছে তাদের কোনো ঝামেলা হয়নি, কোনো প্রবলেম হতে দিইনি, যার কারণে ফেমাস। भाई गाइस अभी अभी जैसे हम लोग अपना नाइट सफारी करके आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, तुम लोगों को कैसा लगा भाई? अगर सच बताए तो हम वहाँ पे बहुत ज्यादा ही डर चुके हैं। मैं भी बहुत डर गया। हर एक कहानी उनको हमको लिटरली सच लगा, जो हमको गूस पम्प्स कहते हैं ना, और आप अगर वीडियो को देखेंगे तो मैंने उनका हाथ पे फोकस किया, उनका हाथ लिटरली कांप रहा था जब वो बता रहे थे कोई स्टोरी। तो बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था, मैंने तो ऐसा कभी फील नहीं किया अपने लाइफ में जब मैं वहाँ से आ रहा था, और आपको वीडियो में दिखेगा वो। और तुम बताओ कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा था सीनरी एक्चुअली में, जहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे थे वो पूरा ही एनवायरनमेंट ये चीज को बहुत प्रमोट कर रहा था, और रियल स्टोरी है, ऐसा नहीं कि फेक है कुछ, मतलब बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा था। सबसे वो दो गांव के बाद जो बोला था कि वहाँ पे सुसाइड भी हुआ था। गाइज और एक बात थी, आपने देखा हमें कि हम लोग वो टनल के पास खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, और वो टनल का मकसद क्या था बताओ थोड़ा भाई। एक्चुअली वो टनल राजा महाराजा के जमाने में बना था, वो एक्चुअली राजा महाराजा का एक स्केप डोर था, जब उनका कैसल पे अटैक हो गया वो लोग बच ना पाए, तो अपना जान बचाने के लिए वो नदी के थ्रू निकल सके। और एक बात मुझे गाइड ने कहा कि जो राजा की जो बेटियां रहती थी या फिर उनकी जो वाइफ रहती थी वो उस सुरंग के थ्रू जाके नदी में, इच्छावती जो नदी है यहाँ का पॉपुलर, वहाँ पे जाके स्नान करती थी और फिर वो उसी रास्ते से वापस आती थी। तो दो मकसद था वो रास्ता बनाने का। गाइस तो अभी 11 बज रहे और हम लोग अपना डिनर का वेट कर रहे, तो चलो भाई देखते हैं क्या है डिनर में, क्या नहीं है। चलो क्लास मारे क्या? नहीं। हेलो गाइस, रात के 1 बज रहे हैं और हम यहाँ पे म्यूजिकल नाइट चला रहे हैं विद सम बॉनफायर। कैसा लगा आपको? बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है, मेरे को डर भी लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे सब खो चुके हैं और हम लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, बट क्या करें, हम लोग हावड़ा के बंदे हैं यार, हम लोग डरते नहीं है। है गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम मंगलगंज, एंड अभी हम लोग फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अपना, और चलो दिखाता हूँ आपको क्या है ब्रेकफास्ट में। गाइज हमारे सामने आ गया हमारा आज का नाश्ता। ये गाइज तो ये नाश्ता है, जैसे कि आप देख सकते हो हमें कुछ पूड़ियाँ मिली हैं और साथ में एक अंडा सफ़ेद सा और एक कुछ आलू की सब्जी है, आलू और दाल का, आलू और दाल की सब्जी है जो कि बहुत अच्छी है। आप पहले खाइए तो पहले टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा लगता है। असाधारण, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट ब्रेकफास्ट। गैस तो अभी हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट होने वाला है। तरुण कैसा है ब्रेकफास्ट? अच्छा ब्रेकफास्ट से बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि भैया हमें बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं और हमारा ध्यान बहुत अच्छे से रखे। क्या रकम जी नाम क्या बताया आपने? इनका नाम राजू है। हे गाइस तो हमारा ट्रिप यहाँ पे एंड होने जा रहा है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ये सब चीज़ मैं कर नहीं पाता हूँ बिकॉज ऑफ बिजी लाइफ, और यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये सब चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है। इनफैक्ट द एनवायरनमेंट जो यहाँ पे है वो बहुत ही अच्छा है, ग्रीनरी से ये सराउंडेड है जो कि इसे और अच्छे से बनाता है। और रहा बात वो हॉन्टेड कैंप जो था उसके बारे में, तो मैं क्या बताऊँ, मुझे जो फील हुआ इसके लिए फेमस ही है
यहाँ पे हम लोग आए रात में, इतना ज्यादा डरावना लगा हम लोग को, बहुत बहुत, मतलब हम लोग अलग ही दुनिया ही में आ गए हैं। बिल्कुल, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम लोग ये सब फील ही नहीं करते कभी, हमें ट्रैफिक का आवाज आता है, हमें मतलब हाँ हॉन्किंग, लेकिन यहाँ पे आके मुझे मतलब वो वापस से वो फील आया कि हाँ यार ये भी एक लाइफ होती है, और यहाँ के लोगों की लाइफ मैं बोलूँगा कंफर्टेबली बहुत बेटर है हम लोग से। वन टाइम एक्सपीरियंस मस्ट है, ये सब मतलब जरूरी करना चाहिए जिंदगी में। आप लोग तो आप लोग प्लीज यहाँ पे आओ और एक बार आके एक्सपीरियंस करो, एक नाइट स्टे करो, आप लोग खुद फील हो जाएगा हम लोग क्या बोल रहे हैं। उतना कॉस्टली भी नहीं है, यू कैन इजीली अफोर्ड इट। यस मैन, जो भी प्राइस आप पे कीजिएगा वो वर्थ इट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो पे किया हमें लगा था कि इतना ले रहा है पता नहीं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, पर आफ्टर जब हमने जब कंप्लीट कर दिया हमें लगा कि हाँ यार ये बिल्कुल वर्थ इट था। यहाँ पे आके आपको फाइनली वो पीस मिलेगा जो आप बहुत दिन से ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में। हे गाइस, तो यहाँ आने के लिए आपको दो रूट मैं बता रहा हूँ। एक रूट है आपको सियालदह स्टेशन में पहुँचना पड़ेगा पहले, वहाँ से आपको कोई भी लोकल लेके आपको चकदाह स्टेशन में उतरना पड़ेगा। चकदाह स्टेशन से आपको एक बस मिलेगा नाटेबेरिया के लिए, जो मुझे लगता है एक घंटा आपको लगेगा पहुँचने के लिए। फिर नाटेबेरिया में उतर के आपको एक टोटो चाहिए, टोटो को आप बोलोगे कि मुझे बैकपैकर्स कैंप जाना है तो वो आपको 20 मिनट में पहुँचा देगा। और ये पहला रूट है। दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट के लिए आपको सियालदह से एक लोकल लेना पड़ेगा बांगौन स्टेशन के लिए, वहाँ से बांगौन टाउन हॉल के लिए एक टोटो लेना पड़ेगा, और फिर बांगौन टाउन हॉल से आपको नाटेबेरिया के लिए एक ऑटो लेना पड़ेगा। हाँ, हाँ, और फिर वहां से जैसे सेम टोटो लेना पड़ेगा, एक टोटो लेके आप यहां पे डायरेक्ट आ सकते हो बैकपैकर्स कैंप। हाँ, आपका जितना भी एक्सपेंस लगेगा, जितना भी मतलब खर्चा होगा, उसका डिटेल्स आपका स्क्रीन पे आ चुका होगा। हाँ, स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे तरह तरह की चीजें भी कर सकते हो, उसमें से नंबर वन है आप बोट राइड कर सकते हो यहाँ पे इच्छावती नदी में आप इधर से उधर कर सकते हो अगर आपको मन है तो। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जहाँ पे आपको हिरन देखने मिलेगा, 2 से 3 के बीच ज्यादा प्रेफरेबल टाइम है। हाँ हाँ, 2 बजे से 3 बजे तक आप अगर जाओगे तो वहाँ पे आप बहुत सारा हिरन देख पाओगे, और बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे। आप रात को जंगलों में भी निकल सकते हो घूमने के लिए अगर आप में हिम्मत है तो। हे गाइस, बहुत ही सीरियस बात करनी है आपसे एक। आप कहीं भी अच्छी जगह घूमने जाते हो, आप अपनी गंद मचा ही देते हो कैसे भी करके। ऐसे आप पीछे देखो, यहाँ पे किसी ने अपना नाम लिख के रखा है अपने प्रेमिका के साथ प्लस देके, ये सब शर्म आनी चाहिए आपको। बहुत गंदी बात, बहुत बुरी बात। आपको ये करते हुए शर्म आनी चाहिए, हेरिटेज बर्बाद होता है इससे। A few moments later.